सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे पास एक अपाची आरआर 310 BS6 और उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। हाँ सही है, सही बताओ। हाँ मालिक भाई, यहाँ पे लोग ब्लॉग नहीं शूट करने दे रहे, तफरी बाजी चल रही है। और ये बल्लू है, बल्लू देखो भाई, बल्लू के बारे में कुछ बता रहे हैं। बल्लू भाई आपको कुछ चाहिए था? बल्लू अगर बल्लू से कुछ टिप चाहिए आप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो किस चीज की टिप देते हैं बल्लू भाई? मुंह छुपाने की कोशिश बल्लू भाई। तो दूसरी बाइक जो है भाई वो है इंटरसेप्टर BS6, आप देख सकते हो इधर। और इसके साथ करेंगे अभी TVS अपाची आर 310 BS6। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और जल्दी से मिलते हैं कैमरे पे क्योंकि ये लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ऐसे सब बढ़िया रहो सब लोग भाई, सेफ्टी का ध्यान रखो, अपनी बाइक चलाते समय हेलमेट पहनो, ग्लव्स पहनो, हर एक चीज़ पहनो, क्योंकि अनहोनी या फिर समझ सकते हो दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए आप लोग सेफ रहो हमेशा और बाइक हमेशा सेफ राइड करो। तो हमारे पास अभी यहाँ दो बाइक है, एक है इंटरसेप्टर BS6 और एक है अपाची आर 310 BS6। दोनों बाइक BS6 है, ये 310 cc है, 650 cc है। PS पार इसका 34 है, इसका है 47। तो यहाँ पे PS पार हर एक चीज़ में ज़्यादा है, पैसे में भी महंगी है, पर ये स्पोर्ट बाइक है, ये है ट्रेवलिंग बाइक, आप इसको टूरर बाइक कह सकते हो, कि सबसे कंफर्टेबल राइड के लिए बनी है और पावर काफ़ी है। इसको माउंटेन पे चढ़ा सकते हो और ऑफ रोडिंग कर सकते हो, कहीं भी चला सकते हो, इसमें वो चीज़ नहीं कर सकते आप। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, कुंदन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, KSC ब्लॉग जाके और करा देता हूँ। तो भाई आपके चैनल का नाम क्या है? अनस खान ब्लॉग। भाई तो भाई की इंटरसेप्टर है और अपाची आरआर भी नहीं किए, चल चुकी है 2000 किलोमीटर चला चुके हैं। चलिए अब इन दोनों का, तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। कंपैरिजन है अपनी बैग शुभम भाई के साथ, शुभम भाई के साथ सपोर्ट करिए दोनों को, थोड़ा डांस ऑन देख लीजिए दोनों को, थोड़ा डांस ऑन देख लीजिए। मौज मौज पे ही मौज है, ये और मैं चलाने जा रहा हूँ अपाची आरआर 310। हाँ चालू है,
23 गई है भाई लास्ट। इसमें स्लैपिंग आ रही ना? हाँ आई थी। था। ये गई है 173 177 ऐसे ही जा रही है, लिमिटर है उसके बाद। तो देख लीजिए आप लोग रिजल्ट थोड़ा सा कहीं एंड अब इनको देते हैं, ये चलाएंगे और ये चलाएंगे। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्टर में थोड़ा सा मेरे हाथ कम सेट हैं तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जीत जाते हैं तो मेरे को चिढ़ाने लगते हैं, कोई नहीं। तो कोई फायदा नहीं है, देखिए ये देख खुश कितना है लौंडा। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। 180 गई है, 180 पहुंची है। हाँ सही है, मेरे में 127 ही गई थी। तो वेट का अंतर देखिए, स्टार्टिंग में निकला मैं बहुत तेजी से, स्टार्टिंग में हाँ। थोड़ी देर बाद आपने इंटरसेप्टर का कमाल देख लिया, तो मेरे पावर का रेशियो थोड़ा सा कम है। कम क्या, थोड़ा सा क्या, बहुत कम है, क्योंकि ये 47 BHP है और ये 34 या 35 BHP है। ये 47 BHP है, वो 34 है और बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ थोड़ा कम सेट है, जो हाथ सही से सेट होते तो इनिशियल में भी मैं निकाल देता, लेकिन तुम नहीं निकाल पाए। यहाँ पे जैसा देखा आपने, मतलब ट्रैवलिंग बाइक होने के बावजूद भी एक हिसाब से इसको समझ सकते हो, ये स्पोर्ट बाइक है और ये आप समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 है ये, तो भाई रॉयल बाइक है, रॉयल के नाम से जाना जाता है इसको। और देख सकते हो बाइक पे पठान कितना बढ़िया लग रहा है लिखा हुआ सामने। खैर बाकी आई होप रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए क्या बाइक किस पर्पज के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर भी दोनों जगह फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के जाओ, बाय बाय।